आज इस्तीफा कौन देगा, राहुल गांधी या रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं समझिए। राहुल गांधी ने कल एक अखबार की खबर का हवाला देकर रक्षा मंत्री पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि रक्षा मंत्री ने राफेल घोटाले पर संसद में बहस का जवाब देते हुए झूठ बोला और सरकार ने HAL को 1,00,000 करोड़ के रुपए का काम देने की बात कही। राहुल गांधी ने चुनौती देते हुए ट्वीट किया था कि रक्षा मंत्री आज या तो संसद में HAL को दिए कॉन्ट्रैक्ट के दस्तावेज पेश करें या फिर अपने पद से इस्तीफा दें। राहुल के इस चैलेंज के बाद रक्षा मंत्री ने HAL को ठेके देने के दस्तावेज जारी किए, यह भी ट्विटर पे ही हुआ। अब निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी से कहा है कि या तो वो देश से माफी मांगे या वो इस्तीफा दें। अब खबर यह है कि रक्षा मंत्री HAL कॉन्ट्रैक्ट पर आज लोकसभा में वक्तव्य दे सकते हैं। हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए पूरी अपडेट के साथ। आशीष, तय है आज भी रार है राफेल के नाम पर संसद के अंदर? जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात मैं एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि जो कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप हैं KC वेणुगोपाल, उन्होंने अब से कुछ देर पहले संसद में लोकसभा में प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के खिलाफ। जो मुहिम उनके अध्यक्ष राहुल गांधी चला रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के, जो HAL को दिए गए या नहीं दिए गए उसको लेकर के जो मुहिम छिड़ा है रक्षा मंत्री के खिलाफ, जिस पर रक्षा मंत्री ने पलटवार किया राहुल गांधी पर, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया गया है। स्पीकर इसको कबूल करती है कि नहीं करती है ये हमें देखना होगा सदन के अंदर, लेकिन ये एक तरह से HAL को मध्य में रख करके पॉइंट सेटल किए जा रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई बन गई है दोनों के बीच में, और आज इस बात की पूरी गुंजाइश है कि निर्मला सीतारमण, जिन्होंने ट्वीट करके पूरा ब्यौरा दिया था कि कितने कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से एनर्जाइज कर सरकार की तरफ से कोशिश की गई है, उसको जो कांग्रेस पार्टी ने नकारा है अपनी तरफ से तथ्यों को सामने रख के, अपने रिकॉर्ड्स को सामने रख के। इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि CPM के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी एक ट्वीट करके इस बात को स्पष्ट किया है, क्योंकि उनके HAL के ट्रेड यूनियंस होते हैं, कि इनफ कॉन्ट्रैक्ट यानी उतने कॉन्ट्रैक्ट सरकार की तरफ से HAL को नहीं दिए गए हैं जितना की क्लेम सरकार की तरफ से किया गया है। इस बात की गुंजाइश है कि खुद रक्षा मंत्री आज सदन में इसका पूरा ब्यौरा रख करके कांग्रेस अध्यक्ष को जवाब देने की कोशिश करें। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है आशीष कि लोकसभा में इस वक्त जबरदस्त हंगामा हुआ और लोकसभा स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बस अभी काम शुरू ही हुआ होगा लोकसभा में, लेकिन वहां पर हंगामा हुआ और उसके बाद स्थगित हो गई है लोकसभा। हमारे साथ BJP से अमित मालवीय जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत आपका ABP न्यूज में। लोकसभा के अंदर क्या होने वाला है आज, क्योंकि निर्मला सीतारमण तो कह रही है कि राहुल गांधी या तो माफी मांगे देश से या फिर इस्तीफा दें। देखिए, राहुल गांधी राफेल के मुद्दे पे बार बार झूठ बोलते आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आने के बाद सुरक्षा अधिकारियों के कहने के बावजूद, डिफेंस मिनिस्टर की सफाई के बाद, वित्त मंत्री ने राफेल पे जो जानकारी सदन में दी उसके बाद, फ्रांस की सरकार ने राफेल पे जो स्पष्टीकरण दिया उसके बाद, फ्रेंच के राष्ट्रपति ने जो राफेल को लेके अपनी तरफ से बयान दिया उसके बाद, बार बार जनता को गुमराह करने के लिए राफेल का राजनीतिकरण करते आए हैं। कल देश के सामने ऐसे दस्तावेज आए हैं जहां ये जानकारी आई है कि क्रिश्चियन मिशेल जी, जिसको ऑगस्टा वेस्टलैंड के मामले में देश में लाया गया है, वो यूरोफाइटर नाम के एक जहाज के लिए राफेल के खिलाफ काम कर रहा था। अच्छा। सवाल ये उठता है कि क्या क्रिश्चियन मिशेल और गांधी परिवार ये चाहते थे कि यूरोफाइटर देश में आए और राफेल नहीं? ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है। और अमित जी, आप राफेल की कड़ियां आगे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे यहां पर कांग्रेस को निशाने पर लेने की कोशिश सदन में भी कर रहे हैं BJP, और आप बाहर भी आप कर रहे हैं। इस पर मैं, हमारे साथ अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल करूंगी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच दो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। दरअसल ये दो ट्वीट है जिसको लेकर बार बार सवाल हम पूछ रहे हैं कि आज इस्तीफा कौन देने वाला है, देश की रक्षा मंत्री या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष? इन दो ट्वीट्स के माध्यम से आप समझिए कि दरअसल पूरा मामला है क्या। कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया रक्षा मंत्री पर। राहुल ने ट्वीट ये किया कि राफेल डील को लेकर PM मोदी की झूठ को बचाने के चक्कर में रक्षा मंत्री को संसद में भी झूठ बोलना पड़ा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आगे लिखा,
कि रक्षा मंत्री वो कागजात पेश करें जिसमें ये जिक्र हो कि सरकार ने एचएएल को 1,00,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है, या फिर रक्षा मंत्री इस्तीफा दे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी इस ट्वीट पर। अब ये ट्वीट जब राहुल गांधी का आया तो इसके बाद एक और ट्वीट आया, लेकिन ये ट्वीट था देश की रक्षा मंत्री के द्वारा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये समझिए कि रक्षा मंत्री को इस ट्वीट के जरिए निशाने पर ले रहे हैं राहुल गांधी। आज इस्तीफा कौन देगा, ये सवाल बार बार हम उठा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं निर्मला सीतारमण या तो माफी मांगे देश से या इस्तीफा दे। रक्षा मंत्री देश की कह रही है कि राहुल गांधी या तो देश से माफी मांगे या इस्तीफा दे। तो संसद के अंदर आज होगा क्या, कौन देने वाला इस्तीफा, ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। देखिए हमारे साथ अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। अखिलेश सिंह जी, सवाल वही, कौन देने वाला है इस्तीफा आज? देखिए अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के अति ज्ञानी प्रवक्ता के, वो बता रहे थे कि राफेल के डील को कैंसिल करके एक दूसरे डील को कांग्रेस देना चाहती थी। अरे भैया ज्ञानी जी, कांग्रेस ने उस डील को फाइनल कर दी थी, आप उसी डील को बदल के और तुरंत अनिल अंबानी जी के फेवर में 24 घंटे में कर दी। झूठ तो आप लोग बोलते हैं। सदन में रक्षा मंत्री जी कहती हैं एचएएल को 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट केंद्र की सरकार ने दिया। आपने सदन में बोला आदरणीय रक्षा मंत्री जी, तो आप उसका डिटेल दीजिए ना, आप डिटेल दीजिए, फिर नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, देश को गुमराह करेंगे क्या आप? तीसरी बात, ये बड़े झूठे लोग हैं, कुछ नहीं जानते हैं, एक नंबर के फेकू। पार्लियामेंट में वित्त मंत्री जी ने बोला था कि कांग्रेस पार्टी जो जहाज ले रही थी उसी जहाज थी, मतलब जैसा ट्रक की चेसिस थी, ये ले रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि हम वेल इक्विप्ड सब कुछ ले रहे हैं, उसमें एमुनेशन भी होगा, टेक्नोलॉजी भी होगी, सब होगा, इसलिए मेरे दाम 3 गुने जाते हैं। कई बार बताया भी जा चुका है, जब मोदी जी 9 अप्रैल 9, 11, 15 को गए थे वहां फ्रांस जी, तो उन्होंने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है उसके 14वें जो पॉइंट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हम वही जहाज ले रहे हैं जो कि सब कुछ में, अखिलेश सिंह जी ये टेक्निकलिटीज आप लोग लोकसभा में डिस्कस कीजिए क्योंकि वहां पर बेहतर तरीके से इस पर बहस हो पाएगी। ठीक है, ठीक है अखिलेश जी, मैं इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि मैं आगे आपसे इसी पर सवाल लूंगी, लेकिन हमारे साथ क्योंकि अमित मालवीय जुड़े हुए हैं और आईटी सेल के हेड हैं आप बीजेपी की तरफ से। अमित जी देखिए, राजनीति तो परसेप्शन का खेल होता है, आम आदमी ये जो टेक्निकलिटीज आप बता रहे हैं या फिर अखिलेश जी बता रहे हैं उसको इतना समझे ना समझे, इस परसेप्शन को समझ रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है राफेल को लेकर। क्या आपको लगता है ये संशय स्थापित करके जो चाहती थी कांग्रेस, कम से कम उसमें तो कामयाब होती दिख रही है? देखिए, इस देश की जनता को इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे राहुल गांधी से ज्यादा विश्वास है। जब इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि राफेल के मुद्दे पे कोई भी गलत चीज नहीं हुई, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे कमर्शियल्स हो, चाहे ऑफसेट हो, तो राहुल गांधी की बात का कोई वैल्यू ही नहीं बचता है। इस देश में आज राहुल गांधी की विश्वसनीयता सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा नहीं है, ये सच्चाई है। आप लोग तो लेकिन रोज राहुल गांधी के बाद पर जवाब देते हैं, आपके तमाम प्रवक्ता जी। अखिलेश जी जुड़िए। नहीं नहीं, एक मिनट, आप क्या चाहती हैं कि हम राहुल गांधी को जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है उनकी बात का जवाब ना दे? आपका क्या ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आप लोग तो राजनीति होनी चाहिए उनकी बात का जवाब दिया जाए? आप ही कह रहे हैं ना कि आप ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तमाम बातें बेफजूल है। अखिलेश जी जुड़िए। अखिलेश जी, हमने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उनकी मान्यता नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात मान ली, आपकी बात मान ली सर। अखिलेश जी जल्दी से, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी इनको क्लीन चिट नहीं दी है, उल्टे सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने चीट किया। जब हमने पोल खोला राहुल जी ने और हमारे खड़गे जी ने कि पीएससी में मामला आया ही नहीं, तो दूसरे दिन भाग करके सुप्रीम कोर्ट में फिर दिए कि आपसे गलती हो गई है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके एक रिव्यू पिटीशन डालिए ना। सुनिए प्लीज, बीच में मत बोलिए जनाब, अगर आप इतने ईमानदार और सच्चे हैं तो जांच क्यों नहीं करा देते हैं, क्यों नहीं जेपी? अरे हम तो कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट में जाके रिव्यू पिटीशन डालिए। अरे आप आसान काम करना चाहते हैं कांग्रेस, कांग्रेस आसान काम करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालिए और राहुल गांधी के पास जो भी सबूत है वो सुप्रीम कोर्ट में दे दें। और सुनिए प्लीज प्लीज, इन्हें जरा म्यूट कर दें। देखिए जो मैं जिक्र कर रहा था 15
2015 के मोदी जी के उस ज्वाइंट स्टेटमेंट का, उसमें पैरा 14 पे साफ साफ लिखा हुआ है एयरक्राफ्ट एंड एसोसिएटेड सिस्टम्स एंड वेपन्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन द सेम कॉन्फिगरेशन एज हैड सवाल हमारा बस यही था कि आज इस्तीफा कौन देगा। अखिलेश जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, अमित जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। बार बार सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि आज इस्तीफा कौन देगा, क्योंकि देखिए लोकसभा के अंदर जो जंग शुरू हुई थी राफेल की वो ट्विटर पर जाकर तेज हो गई है और अब आज लोकसभा में फिर से दिखने वाली है, दिखी भी, और 12 बजे तक के लिए जो लोकसभा है वो स्थगित हो गई है। अब आपको हम ट्विटर के जरिए समझाते हैं कि ये जो पूरी जंग है वो कैसे शुरू हुई। राफेल डील को लेकर पीएम मोदी की झूठ को बचाने के चक्कर में रक्षा मंत्री को संसद में झूठ बोलना पड़ा, ये ट्वीट किया कल राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर। उन्होंने आगे लिखा, रक्षा मंत्री वो कागजात पेश करे जिसमें यह जिक्र हो कि सरकार ने एचएएल को 1,00,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए हैं या फिर इस्तीफा दे। इसके ठीक बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर दिया पलटवार करते राहुल गांधी पर, यह लिखा कि यह शर्मनाक है कि कांग्रेस अध्यक्ष देश के सामने झूठ फैला रहे हैं। 2014-18 के बीच एचएएल ने 26,570 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, यह कह रही है रक्षा मंत्री। इसके आगे वो लिखती हैं कि 73,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन में है। रक्षा मंत्री ने कभी नहीं कहा कि ऑर्डर साइन हुए हैं, बल्कि हमने यह कहा कि काम हो रहा है। क्या राहुल गांधी सदन में खड़े होकर देश से माफी मांगेंगे या फिर इस्तीफा देंगे, ये कह रही है रक्षा मंत्री। उन्होंने कहा कि आर्टिकल ठीक से पढ़िए और पढ़ने के बाद या तो आप लोकसभा के अंदर खड़े होकर तमाम तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं पहले माफी मांगिए उस पर और उसके बाद आप इस्तीफा दीजिए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो दस्तावेज जो कि रखे गए हैं और ये दस्तावेज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखे हैं और उसमें दिखाया है कि जो बात लोकसभा में कल कही गई रक्षा मंत्री द्वारा वो बिना तथ्य के नहीं है। तरह लोकसभा के अंदर राफेल को लेकर कल खूब घमासान मचा, जो ये जंग आप ट्विटर पर देख रहे थे दरअसल पहले लोकसभा में हुई थी, राहुल गांधी वर्सेस रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। देखिए The intergovernmental agreement was signed on 23rd September 2016 and the first aircraft will be delivered in 3 years from that date and the last aircraft will come in 2022. आज शायद रक्षा मंत्री जी बोलेंगी तो मैं दोहराना चाहता हूँ, प्यार से दोहराना चाहता हूँ कि 4-5 राफेल मामले पे सवाल है। पहला सवाल, हवाई जहाज की प्राइस को 526 करोड़ रुपए से 1600 करोड़ रुपए किसने बढ़ाई? क्या एयरफोर्स के लोगों ने दाम बढ़ाया या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दाम बढ़ाया? दूसरा, एयरफोर्स को 126 हवाई जहाज चाहिए थे, 36 हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया, क्या एयरफोर्स ने 36 हवाई जहाज मांगे थे या एयरफोर्स ने 126 हवाई जहाज मांगे थे? तीसरी बात, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिलवाया? होलैंड जी ने कहा है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। डेसॉल्ट कंपनी की इंटरनल ईमेल्स में कहा गया है कि उनको ऑर्डर मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार और प्रधानमंत्री ने कहा था कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि एचएएल के कर्मचारियों को जो रोजगार मिलना चाहिए था वो अनिल अंबानी की कंपनी, जो कि अब एए वो कह रहे हैं सदन के अंदर, उसको दे दिया गया। लेकिन इन सब के बीच जिस एचएएल को लेकर पूरा हल्ला मचा हुआ है वो भी विवाद में कैसे कूदा ये भी समझिए। अपनी माली हालत पर एचएएल ने ट्वीट कर दिया है और दस्तावेज भी पेश कर दिए हैं। एचएएल का ट्वीट आया है अपनी माली हालत में, खबरों के मद्देनजर ये स्पष्ट किया जाता है एचएएल ने 962 करोड़ का ओवरड्राफ्ट लिया है। मार्च तक अनुमानित संग्रह से नगद
83 हल्के लड़ाकू विमान, 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर अभी अंतिम चरण में है। वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावनाएं हैं। तो एक ब्यौरा एचएएल ने दिया है कि अभी उसके पास क्या काम है और उसके जो वित्तीय स्थिति में है सुधार की संभावनाएं वो देखता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज लोकसभा के अंदर क्या होगा। देखिए हंगामा हुआ है, फिलहाल तो स्थगित हो गई है, लेकिन ये तय है कि राफेल को लेकर रार होगी और सवाल वही कि कौन देगा इस्तीफा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से इस्तीफा मांग रहे हैं, रक्षा मंत्री राहुल गांधी से, राहुल गांधी रक्षा मंत्री से। एक ब्रेक ले रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।